ओके, आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी है तो आप इस वाले साइट में जाएंगे, www.incometaxefiling.gov.in। वहां जाने के बाद ये पेज खुल गया है हमारे सामने। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू होम पेज में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे, क्योंकि हम नए यूजर हैं, हमारा पैन रजिस्टर नहीं हुआ है अभी इनकम टैक्स की साइट पे, तो सिंस वी आर न्यू यूजर सो वी विल क्लिक दिस रजिस्टर योर सेल्फ, ओके। एंड देन यहाँ पे आने के बाद आपको देखना होगा, यहाँ आता है सेलेक्ट यूजर टाइप, ओके। यूजर आप कौन है? आप इंडिविजुअल है ना? इंडिविजुअल मतलब कि आपका सैलरी इनकम है, आपने कोई कंपनी नहीं बनाई हुई है, तो आप इंडिविजुअल हैं, तो आप यहाँ इंडिविजुअल क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू में जाएंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, आप देखिए हमारे पास चार तरह के स्टेप्स खुल जाते हैं, एंटर बेसिक डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। लास्ट में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये सक्सेसफुल हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पर देखिए डिटेल्स आ रही है, ये हमें फिलअप करनी होगी। तो मैं एक आपको स्पेसिमेन दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे फिलअप कर रही हूँ पैन, ओके। पैन के बाद सरनेम इज मैंडेटरी, तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ सिंगल नेम होता है, जैसे मेरा या किसी का भी, मतलब आप ले लो जैसे किसी का नाम शालिनी सिर्फ हुआ, तो वो आप क्योंकि सरनेम रेड टिक्स वाले आप देख रहे हो जहाँ रेड एस्ट्रिक है, दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी फील्ड्स, सो यू हैव टू फिल इट अप। सो अगर किसी का सिर्फ सिंगल नेम है तो प्लीज अपना नाम सिर्फ सरनेम वाले एरिया में ही डालना, आप क्लियर है? अंकुर आपका कुमार भी है ऑफिशियल, मैं कुमार डाल रही हूँ, ओके फाइन, मैं कुमार डाल रही हूँ यहाँ पे, ओके। आपका डीओ भी 31 मार्च 1991, आप रेसिडेंट हो, ठीक है, क्लियर है। मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल लिया एंड आई विल क्लिक हियर। जब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो आपके सारे इन्फॉर्मेशन अगर सही होंगे तो ये अपने आप हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया। अब हमें एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है, वो पासवर्ड मैं सेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि वो क्या पासवर्ड है। फाइन, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पासवर्ड सेट करने के बाद कुछ सालों के बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा पासवर्ड क्या है, तो उस केस में दिस सीक्रेट क्वेश्चन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर, ठीक है। तो मैं सीक्रेट क्वेश्चन में आपका पेट नेम डाल रही हूँ, व्हाट्स योर पेट नेम? अंकुर। अंकुर, हाँ जी, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ व्हाट्स योर फेवरेट टाइम पास? म्यूजिक। म्यूजिक, ओके, म्यूजिक, ठीक है। आप देखना चाहते हो अपना सीक्रेट क्वेश्चन तो देख भी सकते हो, मैं यहाँ पर देख नहीं रही हूँ अभी। फिर आप अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9797 16। सेल्फ कर दिया मैंने, सेकेंडरी भी डाल दीजिए, सेकेंडरी भी डाल दो, चलो बताओ। 9891 डिस्कनेक्ट हो गया, आ रहे हो, देख रहे हो आप लोग? हाँ जी, ठीक है। और पवित्रा इज नॉट विजिबल टू मी, यस मैम, आई एम हियर, ओके फाइन, ओके। सेकेंडरी ईमेल आईडी इज आल्सो ऑफ अंकुर ओनली ना? हाँ, सॉरी, फोन नंबर, ईमेल आईडी बताओ उनको जल्दी। ABJA4ApplB4BallJ4Joker ABJ1991@gmail.com, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम भर लेते हैं, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए। और दिस आई एम डूइंग, आपका एड्रेस है, पिन कोड क्या है? 11001 आपको आया होगा? अभी तो नहीं आया।
आया, एक ईमेल पे भी आया होगा, एक मोबाइल पे आया होगा, दोनों बता दो। हम जब भी उस फॉर्म को फाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जब हम फिल करते हैं, तो थर्ड स्टेप जो होता है वो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होता है। उसमें आपके पास दो ओटीपी आती हैं, एक ओटीपी आपकी ईमेल पे आता है और एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता है। तो आप जब दोनों ओटीपी डालोगे तभी वैलिडेट हो सकता है। ओके, ईमेल का ओटीपी लिखिएगा। मैंने वैलिडेट कर दिया, अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा जाऊंगी लॉगिन में, आपका आईडी पासवर्ड डालूंगी और फिर फॉर्म खुलेगा। तो मैं फिर से, पहले मैंने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद मेरे पास ये डिटेल्स आ गई कि आपका यूजर आईडी है, दिस इज आपका हमेशा पैन कार्ड का जो नंबर होता है वही आपका यूजर आईडी होता है। रजनीश का ये क्वेश्चन था कि पैन कार्ड मेरे पास नहीं है। रजनीश, बिना पैन कार्ड के, बिना पैन नंबर के आप आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, दैट इज योर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे गए, मैंने अपना यूजर आईडी डाला, अब आपका पैन और आधार दोनों लिंक हो गया है हमको। योर पैन इज लिंक टू योर आधार। जैसे ही हम ये प्रोसेस करते हैं हमारा पैन और आधार दोनों लिंक हो जाता है। स्माइल करने से कुछ नहीं होगा, जब मैं जोर बार गाऊंगी तो पार्टी देना होगा। ठीक है ना? ठीक है ना। चलो, ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये मैं क्लोज कर रही हूँ। अब हम, हमारे पास ये डैशबोर्ड खुल के आ जाता है जो कि इनकम टैक्स का साइट होता है। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक फाइलिंग ऑफ आईटीआर रिटर्न, एक व्यू आईटीआर रिटर्न। जिन लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न्स फाइल कर रखा है उनका वो व्यू रिटर्न्स और फॉर्म्स में जब जाएंगे तो वो रिटर्न अपना देख सकते हैं। सिंस यू आर द फर्स्ट टाइम यूजर, सो यू विल क्लिक ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने ये फॉर्म खोल, मैंने ये जब क्लिक किया तो ये मेरे पास डैशबोर्ड खुल के आया। असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है, पैन अपने आप देखो ऑटो पॉपुलेट होके आ गया है, राइट? ठीक है। रजनीश क्या कर रहे हैं? नोट डाउन स्टेप। अरे मैं आपको भेज दूंगी, वीडियो भेज दूंगी, डोंट वरी। अभी आप बस इस पे फोकस करो। असेसमेंट ईयर मींस प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल आपको इनकम मिली है। जैसे आप अभी 18-19 में आपको इनकम आई है, उसका रिटर्न हम 19-20 में फाइल करते हैं। तो जो 19-20 ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और जो 18-19 होता है दैट इज योर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मींस द ईयर इन विच इनकम हैज बीन रिसीव्ड, एंड असेसमेंट ईयर इज नेक्स्ट ईयर ऑफ योर प्रीवियस ईयर। ओके, तो हम यहाँ असेसमेंट ईयर डालेंगे 19-20, बिकॉज हम 18-19 का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आईटीआर फॉर्म आपका क्या है, आप क्योंकि इंडिविजुअल हैं तो आपका आईटीआर 1 जाएगा। ठीक है, अगर आपका फाइलिंग टाइप यहाँ पे होगा ओरिजिनल, ओरिजिनल ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिशन मोड जो है हम ये डालेंगे। जब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरते हैं तो सबमिशन मोड में हम XML जनरेट करके अपलोड करना होता है, क्योंकि आईटीआर 1 बहुत सिंपल होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम लोग रिटर्न फाइल करें जो सैलरीड एम्प्लॉय वाले हों, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत इजीली हो जाता है रिटर्न। तो ये बेनिफिट सिर्फ आईटीआर जो 1 फाइल करता है और जो आईटीआर 4 फाइल करता है उन लोगों के लिए। ठीक है, मैं प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे जाती हूँ। ठीक है, ये XML टाइप क्या होता है मैम? XML इज डिफरेंट, वो एक एक्सेल शीट होता है, उसमें आपको आईटीआर भर के अपलोड करनी पड़ती है, दैट इज नॉट फॉर यू। ठीक है, वो दूसरे यूजर के लिए। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को हिंदी इतना समझ नहीं आता तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आई एग्री दैट ऑल द प्रीफिल्ड, ये इसको क्लिक कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। हम जैसे ही इसको कंटिन्यू करके आएंगे हमारे पास फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन डाला था ये अपने आप यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, जो रेड एस्ट्रिक वाले जो बॉक्सेस होती हैं हमें उसको फिल करना मैंडेटरी होता है। यू कैन सी एरिया, लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नंबर, दीज आर मैंडेटरी एरियाज, द मैंडेटरी फील्ड्स दैट यू हैव टू फिल अप। ओके, तो अब आप यहाँ पे अपना आधार नंबर भी देखो, आपका यहाँ पे अपने आप आ गया लिंक, क्योंकि आपका आधार और पैन लिंक हो गया है, दिस आधार नंबर विल ऑटोमेटिकली कम इन योर फोन। ओके, क्लियर है? अब आप यहाँ पे क्या करोगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका,
आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, पब्लिक नहीं हो, पेंशनर्स नहीं हो, तो आप अदर में क्लिक करोगे। ठीक है, मैंने अदर क्लिक किया, ये मेरा फॉर्म बन चुका है पूरा, इसमें और कुछ नहीं डालने की जरूरत है। मैं इसको सेव ड्राफ्ट करती हूँ। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट टैब पे खोलती हूँ। फर्स्ट ये था, फिर अब नेक्स्ट ये है। अब मैं यहाँ पर सैलरी डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलरी हमने अज्यूम किया है कि आपने इस साल 90,000 आपका आया सैलरी। ठीक है, ठीक है, आपने, मैंने यहाँ पर सैलरी में डाला ये अमाउंट। ठीक है, अब आप देखो ये अपने आप यहाँ ग्रॉस सैलरी में ये अमाउंट आ जाएगा 90,000। ठीक है, अगर बहुत सारी कंपनीज में क्या होती है, सैलरी के साथ आपकी बहुत सारी परक्विजिट्स मिलती है, एचआरए मिलती है, तो वो सब यहाँ डालने होती है। बट आपका सिंपल है कि आपको सिर्फ सैलरी, ग्रॉस सैलरी इतनी मिली है, तो सैलरी जहाँ लिखा होगा हम वहां ये अमाउंट डालेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि आपका सारा कुछ खुद ही बन के आ गया। आपका, हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 40% मिलती है, तो वो आपका अपने आप माइनस होके आपका 50,000 रुपीज इनकम बनता है, जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आपका इनकम 2.5 लाख से कम है, आपको कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत है। तो आप नीचे बढ़ते जाओ, आपको आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ डिडक्शंस का सेक्शन होता है। डिडक्शन मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या सेविंग किया है। आपने LIC में पैसा लगाया है, आपने PPF लगाया है, आपने PPF खोला है, या आपने प्रोविडेंट फंड खोला है, या आपने मेडिक्लेम खोला है, या आपने डोनेशन दिया है, आपने ऐसा कुछ अगर किया है, तो ये सारे एरियाज में आपके क्वेश्चन है, आपको उसको अपने हिसाब से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्योंकि कुछ है नहीं, तो यही आपका टोटल इनकम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको, आप देख रहे हो, आपका अगर हम यहाँ पर कुछ भी अमाउंट डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 8 लाख फिगर डालते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं दिखा रही हूँ, अगर हमने सैलरी हमारा 8 लाख है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम 8 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो आप देख रहे हो मेरा नीचे अपने आप टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। पहले मेरा सैलरी कम था, तो मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रहा था, लेकिन अब देखो मेरा टैक्स लाइबिलिटी बन के आ रहा है ना। ठीक है, तो अपने आप इनकम टैक्स आपकी कैलकुलेट कर देता है टैक्स। ठीक है, ठीक है, ये पेज मेरा कवर हो गया, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। मैंने इसको भी सेव ड्राफ्ट किया। हमेशा कोई भी पेज को आप सेव करते रहना। अब मैं टैक्स डिटेल में जाऊंगा। टैक्स डिटेल, आपका कोई टीडीएस वीडीएस कुछ नहीं कटा हुआ है, राइट? तो आप सेव डिटेल्स में जाओगे। ये थर्ड पेज इसीलिए होता है कि आपका कोई टैक्स डिटेल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीडीएस कटा हुआ है अगर आपका, तो आप ये वाला एरिया भरोगे। ठीक है, अगर आपका फॉर्म 16 आपको मिला है इंटरेस्ट पे, या अदर देन सैलरी का अगर कोई टीडीएस कटा है, तो आप इसमें डिटेल भरोगे। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो ये डिटेल यहाँ भरना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो हम सिर्फ सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, आपको टैक्स कोई पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए मैंडेटरी फील्ड है, चाहे आपका टैक्स बनता है चाहे आपका टैक्स नहीं बनता है, आपको IFSC कोड और बैंक डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। मैं यहाँ आपका IFSC कोड डाल रही हूँ, ये अपने आप नेम ऑफ बैंक आ जाता है, अकाउंट नंबर है 33 से मैम स्टार्ट कीजिए सीधा डबल। ओके, हमेशा ITR भरना चाहिए, चाहे आपका कितना भी इनकम हो, बिकॉज जब आप फ्यूचर में लोन वगैरह लेने जाते हैं, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपका अपने आप आ गया, आई अंकुर कुमार सन ऑफ विश्वजीत यादव, ये सब खुद आ गया। आपको बस यहाँ पे सेल्फ करना है कि आप ये रिटर्न किसकी कैपेसिटी में बना रहे हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी में बना रहे हैं। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव क्लिक करो, क्योंकि आप सेल्फ हो, तो यहाँ सेल्फ डालेंगे हम। ठीक है, अब ये प्लेस जो में हम न्यू दिल्ली डालेंगे। ओके, अब इसमें आपको ऑप्शन आता है कि प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग वे। हम अपलोड तो कर देते हैं रिटर्न को, लेकिन हमें अपलोड रिटर्न को वेरीफाई भी करना होता है कि ये जेन्युइन पर्सन से रिटर्न आया है कि नहीं, तो इसमें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वेरिफिकेशन के लिए
हम क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई में क्लिक करेंगे. ओके समझ रहे हो? हाँ जी. और उसके बाद हमारा सारा, क्योंकि काम खत्म हो गया है, हमने कोई डोनेशन वगैरह नहीं किया, तो हम ये सब में नहीं जाएंगे. अब मैं रिटर्न को प्रीव्यू करके सबमिट करना चाहूंगी. जैसे ही हम प्रीव्यू करते हैं, तो आपके पास अगर कोई आपने एरर किया होगा तो आपके पास एरर की मैसेज आ जाएगी. अगर कोई एरर नहीं किया होगा तो आपका रिटर्न फॉर्म सबमिट हो जाएगा. ठीक है. अब ये देखो, मैंने कोई एरर नहीं किया है तो आपका ये रिटर्न फॉर्म का प्रीव्यू आ गया. ये आपका रिटर्न अभी अपलोड नहीं हुआ, ये आपको गवर्नमेंट प्रीव्यू करने के लिए देती है कि आप अपना प्रीव्यू कर सकते हो रिटर्न. ठीक है. ठीक है. ये देख रहे हैं आप, सारा कुछ आ गया है इसमें. आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसको सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड द प्रीव्यू पीडीएफ, तो मैं यहाँ क्लिक कर दी, ये मेरा अपने आप डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ. अब सबमिट करते समय मेरे को आधार ओटीपी पे क्लिक करना है. ठीक है. सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न. तो इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए हमें आधार ओटीपी को क्लिक करना पड़ेगा. ठीक है. अब हम आधार ओटीपी को क्लिक कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. जैसे मैं कंटिन्यू करूंगी, मेरे पास आधार ओटीपी आया होगा फोन में, वो ओटीपी डालना है. आप बताओ आपके पास ओटीपी आया है? 3 6 3 6 8 5 8 5 4 8 4 8. अब मैं इसको डाल के सबमिट कर रही हूँ. आप जैसे ही सबमिट बटन दबाओगे, देखो आपका आ गया, योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद ट्रांजैक्शन आईडी दिस एंड योर ई वेरिफिकेशन यूजिंग आधार ओटीपी इज इन प्रोग्रेस विद यू बिन. आपका रिटर्न अपलोड हो गया. ठीक है. रिटर्न फाइल हो गया मतलब. ठीक है. इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल है. थैंक यू मैम. अब आप लोग ऐसे ही इसका वीडियो देख के अपना रिटर्न भर लीजिएगा. अगर कोई दिक्कत आएगी तो आई एम देयर. ठीक है. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछो. यस मैम. बोलिए मैम. लास्ट में आपने सबमिट करने से पहले दो डोनेशन वाली टैब को छोड़ दिया था. हाँ, डोनेशन वाले टैब को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अंकुर ने डोनेशन नहीं दिया है किसी को. मुझे पता है वो बहुत कंजूस है, वो किसी को डोनेशन वोनेशन नहीं देता है. मैम ये तो खुद मांगते रहे. अपार्ट फ्रॉम जोक मैम, मैं ये पूछा था कि आपने जिससे बताया था कि मतलब हमने चाहे कोई मतलब किसी में कुछ फिल करना है डेटा या नहीं करना है, लेकिन उस टैब को सेव एज ए ड्राफ्ट पर सबमिट सेव करना होता है. क्योंकि मैंने वो टैब खोल लिया था, जब मैं टैब को ओपन कर लेती हूँ तब मुझे सेव एज ड्राफ्ट करना होता है. जब मैंने वो दोनों टैब को खोला ही नहीं था तो मुझे सेव एज ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके. बस ये कंफ्यूजन थी. हाँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारे टैब्स पता नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक टैब खोल के दिखा रही थी. अगर जैसे मेरे को खुद रिटर्न फाइल करना होता तो मैं सिर्फ सैलरी का टैब खोलती, उसमें डिटेल्स भरती और रिटर्न अपलोड कर देती. बट मैं आपको एज अ स्पेसिमेन सारे टैब्स दिखा रही थी. और अगर जैसे मान लीजिए एटीजी में आपका डोनेशन, आपने किसी को डोनेशन दिया हुआ है, तो आप उस टैब को खोल के डोनेशन का डिटेल्स फिल करेंगे, सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू में जाएंगे. ठीक है. और जैसे ये 2.5 लाख के मीन, जैसे अगर अबव सैलरी जाती है तो उसमें टैक्स कितना हो जाता है? 2.5 लाख से ऊपर आपकी अगर सैलरी है तो पहले तो आपको 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. ठीक है. 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद भी आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होता है, और 20 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना होता है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी, फॉर एग्जाम्पल एक एजम्पशन लेते हैं कि 3.5 लाख है. ठीक है. 3.5 लाख में स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हर एम्प्लॉय को मिलती है, तो 40,000 वो माइनस हो गई तो आपकी 3,10,000 बनी. ओके. इनकम जिस पे टैक्स लगेगा. और फॉर एग्जांपल लगभग 3,000 टैक्स बनेगा अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख है तो. और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये 2,90,000 है और फिर 40,000 डिडक्शन हो गया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा? कोई टैक्स नहीं.
कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे मान लीजिए अभी इन बिटवीन जैसे सैलरी अराउंड जैसे 2.2 समथिंग करके, और इन फ्यूचर में जैसे वो जाता है 2.9 या 3.5, तो उस केस में ये कैसे मैनेज होगा? जैसे जैसे पिछले साल आपका 2.5 था, तब तो आप कोई टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। और आपका इस साल से मान लो सैलरी 2.5 से ज्यादा हो गई, 3.5 हो गई, तो उस हिसाब से फिर आपको नेक्स्ट ईयर उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। अगर अच्छा, वो नेक्स्ट ईयर रहता है। इस साल का टैक्स हमेशा नेक्स्ट ईयर होता है। जैसे अगर आप अप्रैल 19 से लेकर के अगले साल मार्च 20 तक का टैक्स जो है वो जुलाई से पहले आपको फाइल करना पड़ेगा 2020 में। ओके ओके, 20 का रिटर्न 20 में फाइल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, यानी इनिशियल नहीं, 19 है तो वो एंड ईयर में फाइल करना होता है, ईयर खत्म होने के बाद। ईयर खत्म होने के बाद और कुछ चेंजेस जैसे करने हो तो इन बिटवीन कर सकते हैं जैसे इसमें? हाँ, चेंज करके हमेशा आप सेव करते रहना, सेव ड्राफ्ट को चेंज। सबमिट करने से पहले आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू सबमिट करने से पहले बहुत बार चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आपकी सैलरी 5 लाख तक की, तो देखो जब सैलरी हो जाएगी तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आपको करने के बाद आपको कोई सैलरी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको जब भी लगने लगे कि मेरा सैलरी इनकम जो है 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो आप सेविंग करो ना। सेविंग के लिए आप PPF अकाउंट खोल लो, ELSS फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको 1.5 लाख तक का छूट उसमें भी मिल जाएगा। ओके ओके, अच्छा, तभी लोग मींस अदर प्लेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं। यस ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोग को समझ में भी आया होगा कि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। हाँ, उसको पढ़ पढ़ के करने से वो हो जाता है। हाँ, ठीक है, और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बताना, मैं फिर देखती हूँ उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, चलो अगली